नवी मुंबई के तलोजा में कस्टम विभाग की टीम ने छापेमारी में ड्रग बरामद किया है, जिसके बाद लगभग 500 करोड़ की कीमत के ड्रग को नष्ट किया गया। वहीं अधिकारी ने बताया कि हम हर साल छापेमारी में मिले ड्रग्स को नष्ट कर देते हैं। इसमें जो है ना, आपके इस बारे में सूचित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है NDPS ड्रग्स जो है, NDPS ड्रग्स का जो मैनेस है, ड्रग्स का मैनेस बहुत बड़ा मैनेस है, पूरे देश को मालूम है इसका। तो इसमें जो है सभी एजेंसियां जो अलर्ट रहती हैं और हमारा एंडेवर जो रहता है कि इसका डिस्ट्रक्शन जो है एज अर्ली एज पॉसिबल किया जाए। अब चूँकि क्योंकि जो NDPS केसेस में ट्रायल में समय लगता है, लेकिन उसमें NDPS एक्ट के अंदर प्रावधान है जिसके तहत कि हम लोग जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके उनके सामने वेरिफिकेशन करवा कर उनसे बिना ट्रायल से पूर्व ही उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग जो है उस कार्रवाई को संपन्न करते हुए आज जो है एक लगभग 656 KG नारकोटिक्स ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। और आपको एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमने पिछले साल भी जो है डिस्ट्रक्शन किया था और इस साल अगेन हम 656 किलो नारकोटिक्स ड्रग्स का डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, विच इंडिकेट विच इज़ ए रिफ्लेक्शन एंड विच इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर कस्टम डिपार्टमेंट कि हमने एक साल में फिर दोबारा 656 KG को हम पकड़ने में सीज हुए, उसको डिस्पोजल करने में सक्षम हुए हैं। और इसके अलावा तो ये जो है एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तो इसमें जैसे 656 KG में 310 किलो तो उसमें हीरोइन है, 50 किलो मेफेड्रिन है और 296 किलो कैटामाइन है।